हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि मेनारिया के ऊपर। तो गाइस, बहुत दिनों से आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं और किसी कारणवश इतने दिन से हमने वीडियो शूट नहीं किया था। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रवि मेनारिया के ऊपर। तो भाई साहब, आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक नया वीडियो और काफ़ी अट्रैक्टिव वीडियो बनने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हमने कुछ नया किया है उसका आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी दोस्तों। और अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल रवि मेनारे को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले टाइम में हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। तो गाइस देखिए, आप हमारे इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कुछ ये आइटम। देखिए ये है वेपोराइजर, और कलर की बात करें गाइस तो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे भी ब्लैक दिखाई दे रहा है। देखिए तो गाइस, ये जो पहले वाला वेपोराइजर था ये येलो कलर में था, और जब इसको हम बाइक के ऊपर माउंट करते थे तो ये थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट दिखता था, मतलब इसका जो कलर है वो एकदम हाईलाइट दिखता था, तो मतलब दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो गाइस हमने क्या किया है, इसको ब्लैक करवा दिया है। देखिए पीछे से भी ब्लैक, आगे से भी ब्लैक, पूरा ब्लैक, क्योंकि बाइक का जो इंजन का जो स्पेयर होता है, इंजन जो होता है वो अधिकतर ब्लैक कलर के अंदर होता है, और इसको अगर आप कहीं पे भी माउंट करेंगे तो ये वैसे इजीली ऐसे दिखता नहीं है। और कलर ब्लैक होने से बहुत से मेरे फ्रेंड की डिमांड थी कि भाई इसको ब्लैक कलर करवाइए, तो हमने इसको ब्लैक कलर मतलब ब्लैक करवा दिया है पूरा। और परफॉर्मेंस की बात करें इसकी गाइस, तो इसके अंदर हमने और डाई के अंदर सेटिंग की है, और कुछ डाई का जो इसका वैक्यूम का डायफ्राम था उसको भी थोड़ा सा चेंज किया इस बार, जिससे जो भी समस्या आती थी पहले स्टार्टिंग वगैरह की, वैसे इस वेपोराइजर में कभी समस्या नहीं आई है, लेकिन किसी किसी पुरानी बाइक के अंदर जैसे स्टार्टिंग की समस्या है, माइलेज का कोई इशू है, तो उन सारे जो पॉइंट थे उनको हमने सब के ऊपर ध्यान देके इसके डिज़ाइन किए। और इसके जो परफॉर्मेंस की बात करें अगर हम बाइक के ऊपर, तो ये बिना एयर ब्लॉक किए काम करता है। बस मेंटेन करना होता है अपने को, पिस्टन के अंदर जो दूरी होती है गैस की उसको मेंटेन करना होता है, और जो परफॉर्मेंस आएगी इसकी वो बिना एयर ब्लॉक किए अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। अगर आप कोई सा भी वेपोराइजर अगर आप अपनी बाइक के ऊपर माउंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपने उसको एयर ब्लॉक किए उस गाड़ी की, तो एयर ब्लॉक करोगे गाइस तो क्या होगा कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे अपना ये नाक है, अगर हमने इसकी सांस को बंद कर दिया अपनी, तो क्या होगा भाई अपना दम घुटने लगेगा। तो वैसा ही बाइक के साथ भी होता है, अगर हम बाइक का एयर फिल्टर कंपनी ने जो होज पाइप का होल दिया होता है वो मेरे हिसाब से एक इंची पाइप जितना मोटा होता है, एक इंची पाइप जितनी उसको इंजन को एयर जाती है, जिससे इंजन गर्म नहीं होता है और परफॉर्मेंस आती है वो काफ़ी अच्छी आती है पेट्रोल के ऊपर। लेकिन कुछ कुछ मैकेनिक क्या करते हैं कि जब बाइक को गैस किट फिटिंग करते हैं, वेपोराइजर लगाते हैं, तो वो वेपोराइजर क्या होता है कि दूसरी कंपनियों के बिना एयर ब्लॉक किए चलता नहीं है, तो फिर कस्टमर क्या करता है कि सॉरी मैकेनिक उसको एयर ब्लॉक करते हैं, उसमें कपड़ा लगाते हैं एयर फिल्टर के अंदर, या कोई बाटल का ढक्कन है या पेट्रोल इसका ऑयल के डब्बे का ढक्कन है ऐसा कुछ लगाते हैं, उसमें डार्ट लगाते हैं, मतलब एयर ब्लॉक करते हैं। तो एयर ब्लॉक करने से क्या होता है, वो कुछ टाइम के लिए तो गाड़ी आपकी इस पर अच्छी चलती है गैस के ऊपर, लेकिन फिर क्या होता है कि वो उसके रिंग इंजन के अंदर रिंगे पिस्टन वाल वगैरह वो खराब हो जाते हैं और ऑयल उठाने लग जाती है गाड़ी, मतलब साइलेंसर के थ्रू ज़्यादा धुआं फेंकती है और साइलेंसर के थ्रू ऑयल बाहर आने लग जाता है इंजन से, जिससे आपकी गाड़ी में कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा आता है और वापस उसको रिपेयर कराना पड़ता है, इंजन पूरा खुलता है और फिर उसकी सर्विस होकर वापस वो फिटिंग होता है। तो ऐसा काम न करते हुए हमें कुछ चेंज करना चाहिए भाई, ऐसा तो फिर मतलब क्या है, गाड़ी का इंजन खत्म हो जाएगा। 10-15 हज़ार 20 हज़ार किलोमीटर के ऊपर अगर गाड़ी का इंजन खुलता है तो आपने फायदा क्या कर लिया एलपीजी के ऊपर चलाने पे। तो उसके लिए हमने दोस्तों इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से की है कि इसके अंदर हमें एयर बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी और डायरेक्टली ये चलेगा। तो पेट्रोल के ऊपर जैसा चल रही है गाड़ी, पेट्रोल के ऊपर इंजन में लगभग मेरे हिसाब से 50 से 60 हज़ार किलोमीटर पे उसमें रिंगे पिस्टन वगैरह ऑयल उठाने लगती है लगभग गाड़ी, तो ये भी उतना ही चलेगा।
और इसकी सर्विस की बात करें अगर हम, तो 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार किलोमीटर के ऊपर हमें इसके डायफ्राम चेंज करने होते हैं। वो डायफ्राम कैसे चेंज होते हैं इस वाले वेपोराइजर के अंदर, वो मैं आपको इसके अगले वीडियो में खोल के बताऊंगा, सारा प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि भाई साहब इसके अंदर डायफ्राम कैसे चेंज होते हैं। और अगर हम इस वेपोराइजर के माइलेज की बात करें तो 100 cc के ऊपर ये पेट्रोल का 1.5 गुना इसका माइलेज रहता है दोस्तों। तो पेट्रोल का 1.5 गुना के हम जैसे कैसे काउंट करेंगे कि जब कोई गाड़ी आपकी मेरे हिसाब से अगर 50 का माइलेज दे रही है 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर, तो 1 किलो LPG के ऊपर वो गाड़ी चलेगी आपकी 75 किलोमीटर 80 किलोमीटर गाड़ी चलेगी लगभग। लेकिन 100 सीसी के ऊपर इसकी माइलेज की अगर हम बात करें तो आपको 80, 90, 100, ये 3 रेशा रहता है, डिपेंड करता है गाड़ी चलाने वाले के ऊपर कि भाई वो गाड़ी कैसे चला रहा है। इकोनॉमी स्पीड के अंदर चला रहे हैं तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आएगी, और हाई बिल्कुल लो रेंज के अंदर चला रहे हैं तो डाउन आएगी, और हाई लेवल के अंदर भी चला रहे हैं स्पीड टॉप स्पीड पर चला रहे हैं तो भी माइलेज आपका कम रहेगा गाइज। तो जो ये इस वेपोराइजर की अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर जितने भी डुप्लीकेट मटेरियल आ रहे हैं उसको इसने फेल कर दिया है अब तक की रिपोर्ट के अनुसार, और परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है गाइस इसकी। और कलर वाइज की बात करें तो भी दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, और साइज़ की बात करें तो काफ़ी छोटा हमने इसको डिज़ाइन किया, पहले ये थोड़ा पीछे से बड़ा था तो हमने इसको स्लिम और भी ज़्यादा स्लिम कर दिया है। इसको बाइक के कहीं पे भी आप इसको माउंट कर सकते हैं, पेट्रोल टैंक के नीचे है, बैटरी के बॉक्स के वहाँ पे है, और इंजन के पास में सीट के नीचे कहीं पे भी ये आपका माउंट हो जाएगा गाइस। और इसकी रिपेयरिंग की बात करें तो गाइज इसमें कोई ज़्यादा इतना मोटा खर्चा नहीं आता है, खाली इसके डायफ्राम चेंज करने होते हैं हमें 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार किलोमीटर के ऊपर, तो इसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी बनी रहे। और अगर ये वेपोराइजर आप अपनी बाइक के अंदर माउंट करना करते हैं फिटिंग करते हैं तो इसको जो लगाने का तरीका है गाइज वो एकदम ऐसे सीधा लगेगा, न कि ऐसे टेढ़ा लगेगा, ऐसे उल्टा लगेगा, ऐसे कैसे नहीं लगेगा। ये इसकी परफॉर्मेंस और रिजल्ट की बात करोगे आप तो इसको इस तरीके से इसको माउंट करना है, ये जो आइडल स्क्रू है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए, और अगर इसको आप ऐसे माउंट करते हैं तो ये इस तरीके से रहना चाहिए बिल्कुल। अगर इसको आपने ऐसे फिट किया है तो ये नहीं चलेगा, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं आएगी गाइस। और इसके पीछे जो पाइपिंग है वो मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ लगेगी और कैसे काम करेगा ये। अब ये जो आप आइडल के ऊपर जो आप ये नट देख रहे हैं ब्रास का, ये नोजल आप देख रहे हैं ब्रास की, वो 6 mm की पाइप है, और इसके अंदर जो अपना लो प्रेशर रेगुलेटर से जो कनेक्टिविटी जाएगी गैस की वो इसके अंदर जाएगी। और ये जो ब्रास की जो आप छोटी निप्पल देख रहे हैं ना गाइस, इसके अंदर अपना वैक्यूम जो इंजन के आगे जो हेड होता है उस हेड के वहाँ से जो अपनी जो एल्यूमिनियम का सेक्शन पाइप होता है उस पाइप से हमें इसमें वैक्यूम जनरेट होती है वहाँ से, तो वो पाइप हमें इसमें कनेक्ट करना है। और ये जो आप देख रहे हैं गाइस, ये वाली जो चीज़ है ना इसको बटरफ्लाई बोलते हैं, ये अपना कंट्रोलर है, गैस कंट्रोलर वाल्व भी बोल सकते हो इसको, जितनी आपकी गाड़ी में जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग इसको कसना है। तो इसको मेरे हिसाब से ये अपना जो नाखून होता है ना किसी भी गाड़ी में आप इसको माउंट करो तो ये ऐसे एक नाखून इसके अंदर चला जाए उतना ही खुला रहेगा, बाकी ये अंदर ऐसे टाइट हो जाएगा। और इसको पेशकस से, इसमें कट बना हुआ है लेकिन इसको पेशकस से टाइट नहीं करना है, इसको पिलार से ही आपको टाइट करना है गाइज। तो पिलार से अगर इसको टाइट करोगे आप तो ये यहाँ से टूटेगा नहीं और ये कम्प्लीट अंदर की तरफ आपका फिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इस वाले आइडल की, तो ये क्या काम करता है। जब हमारी गाड़ी गाइस LPG के ऊपर सेट हो जाती है, गैस वेस हमने सेट कर ली सारी, उसके बाद इसका काम होता है आइडल का। आइडल का मतलब ये होता है कि हमारी गाड़ी स्लो रेस के अंदर बंद न हो। जैसे किसी किसी बंदे की गाड़ी कोई अनट्रेंड मैकेनिक अगर सेट करता है तो क्या होता है, जैसे ही हम गाड़ी को कहीं जा रहे हैं सपोज आगे जंप आ गया या बैरियर आ गए, तो जैसे ही हमने क्लच को ऑफ किया तो गाड़ी हमारी बंद हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हर वेपोराइजर के अंदर एक आइडल स्क्रू दिया होता है, ये आइडल स्क्रू होता है, तो इस आइडल स्क्रू को पहले सेट करना होता है। गाड़ी में सारी चीज़ें सेट करने के बाद लास्ट का काम ये आइडल स्क्रू का होता है। वेपोराइजर के अंदर हमें गैस सेटिंग करनी है और पिस्टन से पाइप की दूरी मेंटेन करने के बाद, वेपोराइजर को फिक्स करने के बाद हमें लास्ट का काम आइडलिंग सेट का रहता है। तो या तो इसको 2-3 चूड़ी आप गाइज अंदर कस लीजिए या 2-3 चूड़ी गाइज आप बाहर खोल लीजिए।
जिससे क्या होगा कि हमारी गाड़ी का जो आइडल सेट हो जाएगा, आइडल अगर आपकी गाड़ी का सेट है तो वो आपके न तो माइलेज के अंदर दिक्कत करेगी, न स्टार्टिंग के अंदर दिक्कत करेगी, किसी चीज में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी गाड़ी अगर आइडल में सेट नहीं है तो वो आपकी माइलेज के अंदर भी दिक्कत करेगी, सुबह सुबह आपको स्टार्टिंग में भी बहुत भारी दिक्कत करेगी, और जैसे आपने कहीं गाड़ी खड़ी कर दी है और आधे एक घंटे के लिए, और फिर अगर आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो 5-7 की के 10 की के लगती है। वो कारण वही होता है कि आपकी गाड़ी आइडल में सेट नहीं है। तो ये आइडल में आप इसको सेट करना है, और बस उसके बाद कोई इतनी इसमें वो है नहीं है सिस्टम सारा कि भाई वो आप इतना भी अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे बस इजी प्रोसेस है, अनट्रेंड से अनट्रेंड मैकेनिक भी इसको आप फिटिंग कर सकते हैं गाइस। जब आपका अगर कहीं खेती बाड़ी का काम है या कहीं आप गाय भैंसों के लिए घास फूस अगर लाने का काम है तो वहाँ आप इस गाड़ी को, कच्चे रस्तों में पेट्रोल की कीमतें अभी काफ़ी बढ़ी हुई है, तो वहाँ आप इसको अपनी बाइक के ऊपर लगा के थोड़ा सा अपना बजट कम कर सकते हैं, अपने जेब खर्ची थोड़ी कम कर सकते हैं। बाकी आप जैसे अपने घर के अंदर इसको फिटिंग कर सकते हैं, और जैसे अपने कोई खेतीबाड़ी का काम है आपका डेली रूटीन, गाय भैंसों के लिए घास फूस लाना है, कुएं पे जाना है, कुएं पे अगर फसल की निगरानी करनी है तो उस जगह अब किसान बेचारा क्या करेगा, इतना महंगा पेट्रोल है अभी तो काफ़ी महंगा होता है, तो इसलिए वो अपनी इस बाइक के ऊपर ऐसा फिटिंग कर लेते हैं तो उनमें काफ़ी उनको राहत मिल सकती है गाइस। तो अगर आपने हमारे इस वीडियो को देखा है और आपको अगर पसंद आया है तो आप हमारे नीचे इस पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि भाई आपको कैसा लगा, कुछ नई चीज़ आप हमें बताना चाहते हैं तो हम उस पे भी वीडियो बनाएंगे। तो आपका अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 9928505007, जो आप हमारी इस नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, आप कोई जानना चाहते हैं, कोई समझना चाहते हैं कोई चीज़, तो इस पे आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं जब भी फ्री होऊंगा दोस्तों तो मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और वीडियो को आपने शुरू से लगाकर लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। और इस वेपोराइजर में जो अगला पार्ट हम बनाएंगे वो बनाएंगे दोस्तों डायफ्राम चेंज करने का, तो मैं आपको समझाऊंगा कि इस वेपोराइजर के अंदर कैसे हम सर्विस कितने किलोमीटर पे आती है, कैसे इसके डायफ्राम चेंज होते हैं, वो सारा मैं गणित आपको अगले इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आपने हमारा ये चैनल रवि मिनारिया सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका ही चैनल है गाइस, हमारा तो क्या है, आपकी सब दिया दिवाया है, आपका ही जो प्रेम है इतने दिनों का वो हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो गाइस अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले टाइम में हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।